शंकर जी को जप करते देख पार्वती को आश्चर्य हुआ कि देवों के देव महादेव भला किसका जप कर रहे हैं। पूछने पर महादेव ने कहा, विष्णु सहस्त्र नाम का। पार्वती ने कहा, इन हजार नामों को साधारण मनुष्य भला कैसे जपेगा? कोई एक नाम बताओ जो इन सहस्त्र नामों के बराबर हो और जपा जा सके। महादेव ने कहा, राम रामेति रामेति रमे राम मनोरस सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम वरारणे, यानी राम नाम सहस्त्र नामों के बराबर है। शिव को राम और राम को शिव अति प्रिय हैं। रामायण काल में भगवान राम ने शिव का दो बार आह्वान किया था। जब भगवान राम अपने गुरुदेव के साथ माता सीता के स्वयंवर में जा रहे थे, तब उन्होंने शिव की आराधना की थी और शिव प्रदत्त शक्ति के प्रमाण स्वरूप भगवान राम ने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया। दूसरी बार जब सीता को लाने के क्रम में समुद्र के किनारे रामेश्वर में शिव की पूजा की थी और शिव की कृपा से ही रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की। जो भोलेनाथ को प्रिय हैं उनके स्मरण मात्र से भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। शिव शाब्र मंत्र हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय। विधि, इस मंत्र का जप शिव पंचाक्षारी मंत्र की भांति भी होता है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। उसका जप करने से अनेक जन्म कृत पापों का नाश होता है। नित 11 माला जप करने पर भगवान शिव स्वयं गुरु की भांति साधक का मार्गदर्शन करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव एवं भगवान श्री राम दोनों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा शक्ति राम और कृष्ण सब एक ही हैं, केवल नाम रूप का भेद है, तत्व में कोई अंतर नहीं। किसी भी नाम से उस परमात्मा की आराधना की जाए, वह उसी सच्चिदानंद की उपासना है। इस तत्व को ना जानने के कारण भक्तों में आपसी भेदभाव हो जाता है। परमात्मा के किसी भी रूप को अपना इष्ट मानकर एकाग्रचित होकर उनकी भक्ति करते हुए अन्य देवों का उचित सम्मान व उनमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। किसी भी अन्य देव की उपेक्षा करना या उनके प्रति उदासीन रहना स्वयं अपने इष्ट देव से उदासीन रहने के समान है। ओम नमो नारायण ओम नमो शिवाय। तो इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।